हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन कैजी क्लासेस। आई होप सब अपने घरों पर होंगे, अच्छे होंगे और कोरोना से दूर होंगे। आप लोग यदि सभी अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं, और आप व्यूअर्स ही हमारे चैनल की जान हैं। तो आप सब सेफ रहें और अपनी जो स्टडी है उसको खूब मेहनत के साथ करें, नीट में सिलेक्शन दें, अच्छे रिजल्ट के साथ हमें याद रखें, यही हमारी आशा है। इसी के साथ मैं आज आपके सामने वापस हाजिर हूँ हमारा नया टॉपिक लेकर, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की एंडोस्पर्म किस तरह से डेवलप हो रहा है, एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, एंडोस्पर्म किस तरह से डेवलप हो रहा है, एंडोस्पर्म के कितने टाइप्स हैं, ठीक है, इन सब की बात की। उसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख भेजना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आप देखिए, क्वेश्चन है वाई कोकोनट वाटर इज गुड सॉल्यूशन फॉर टिश्यू कल्चर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वाई कोकोनट वाटर इज गुड सॉल्यूशन फॉर टिश्यू कल्चर के लिए कोकोनट वाटर एक अच्छा सॉल्यूशन क्यों है, इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख भेजना है, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क है मेरी तरफ से। आपको इसे एक ऑनलाइन क्लास की तरह नहीं लेना है, आपको ये समझ के चलना है कि आपके सामने एक टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यदि आप इस तरह से सीरियस रहेंगे तभी आप अपने नीट एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आज हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में क्या होता है, देखिए हमने बात की जाइगोट बना, सिनगेमी हुआ, सिनगेमी का रिजल्ट था जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है वो जब मैच्योर एम्ब्रियो में डेवलप होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ जाइगोट इनटू ए मैच्योर एम्ब्रियो, जाइगोट का मैच्योर एम्ब्रियो में डेवलप होना, कन्वर्ट होना, उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम एम्ब्रियोजेनी कहेंगे, ठीक है। तो आज हमें एम्ब्रियोजेनी या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात करनी है। एम्ब्रियोजेनी हो गई, एम्ब्रियोजेनी जो है, एम्ब्रियोजेनी की स्टडी जो है वो सबसे पहले हेंस्टीन ने 1840 में की थी। हेंस्टीन जो है, एम्ब्रियोजेनी की स्टडी सबसे पहले हेंस्टीन ने की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस की या एम्ब्रियोजेनी की स्टडी सबसे पहले हेंस्टीन ने की थी, और हेंस्टीन ने किस में की थी, हेंस्टीन ने कैप्सुला बुरसा में की थी। एक प्लांट का नाम है कैप्सुला बुरसा, ये ठीक है, कैप्सुला बुरसा पेस्टोरिस, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, नीट एग्ज़ाम के लिए। कैसे, देखिए पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि एम्ब्रियोजेनी की स्टडी सबसे पहले किसने की, तो हेंस्टीन ने की, या हम यूँ कहें फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोजेनी जो है वो हेंस्टीन है, ठीक है। किस, कौन से प्लांट में की, तो कैप्सुला बुरसा पेस्टोरिस प्लांट में हेंस्टीन ने जो एम्ब्रियोजेनी है उसकी स्टडी की। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी NCERT बुक में लिखना जो है राइटर भूल गया है, ठीक है, राइटर ने छोड़ दिया है, क्या कि कैप्सुला बुरसा पेस्टोरिस जो है उसका एक अनदर नेम और है, शेफर्ड पर्स, ठीक है। कैप्सुला बुरसा पेस्टोरिस का अनदर नेम है शेफर्ड पर्स, और ये कौन सी फैमिली का मेंबर है, ये क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है। कैप्सुला बुरसा पेस्टोरिस या शेफर्ड पर्स जो प्लांट है ये क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। अब देखिए क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है, इसीलिए यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इट्स डेवलपमेंट इज एंडोस्कोपिक एंड क्रूसीफेराड, इट्स डेवलपमेंट इज एंडोस्कोपिक एंड क्रूसीफेराड। क्रूसीफेराड क्यों कह रहे हैं, क्रूसीफेराड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है, ठीक है ना। कैप्सुला बुरसा पेस्टोरिस या शेफर्ड पर्स जो प्लांट है ये क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है, इसलिए इस जो डेवलपमेंट को हम क्रूसीफेरा डेवलपमेंट कह रहे हैं। एंडोस्कोपिक इसलिए कह रहे हैं, एंडोस्कोपिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो
एम्ब्रियो है ये न्यूट्रिशन के लिए रेगुलरली एंडोस्पर्म की तरफ धंसता जाएगा, एंडोस्पर्म जो है उसके अंदर एम्बेड होता जाएगा, इसलिए इसे एंडोस्कोपिक हम कह रहे हैं। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है देखिए, फोर्थ पॉइंट में, जनरली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन वन मेल गैमिट फ्यूजेज विद द एग सेल एंड फॉर्म्स ए डिप्लोइड जायगोट। सभी को पता है क्या था, हमने देखा कि जो हमारा ओव्यूल था, ओव्यूल में एक एग था और एक मेल गैमिट आया था, तो एग और मेल गैमिट दोनों फ्यूज हुए थे, ये हैप्लोइड था, दोनों फ्यूज हुए, क्या बनाया, जायगोट बनाया। जायगोट क्या था, जायगोट डिप्लोइड था, सभी को पता है, ठीक है ना। अब जो जायगोट है वो डिप्लोइड है, यही जायगोट क्या होगा, यही जायगोट आगे जाकर एम्ब्रियो में डेवलप होगा। क्या होगा देखिए, जायगोट में सबसे पहले एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ठीक है, जायगोट में सबसे पहले एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। जैसे ये जायगोट सेल है, इस जायगोट सेल में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा इस तरह से, और दो सेल्स बन जाएगी। जायगोट में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और उसमें दो सेल बन जाएगी, ठीक है, एक एपिकल सेल होगी, एक दूसरी जो है वो बेसल सेल होगी। एपिकल सेल के दो नाम और हैं, आपको याद रखना है, बुक में नहीं दिए हुए हैं, एनसीईआरटी राइटर ने लिखना भूल गया क्या। जायगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और वहाँ से दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो माइटोसिस हुआ वो ट्रांसवर्स था, ठीक है ना, यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है और ट्रांसवर्स हो रहा है। ट्रांसवर्स माइटोसिस होने से दो सेल बनी, ठीक है, एक एपिकल सेल और एक बेसल सेल। एपिकल सेल का एक नाम है टर्मिनल और एम्ब्रियोनल सेल। एपिकल सेल को हम टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल भी कह रहे हैं, जबकि बेसल सेल जो है वो सस्पेंसर सेल भी उसे कहा जा रहा है। अब क्लियर हो रहा है यहाँ से क्या, कि एपिकल सेल को हम टर्मिनल या एम्ब्रियोनल सेल कह रहे हैं, मतलब यही सेल जो है वो आगे जाकर किसका डेवलपमेंट करेगी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगी, ठीक है ना। तो क्या पढ़ा हमने, कि एक जाइगोट है, उसमें माइटोसिस हुआ, ट्रांसवर्स सेल डिवीजन होने से दो सेल्स बनी, एक सेल को हमने एपिकल सेल कहा, दूसरी सेल जो है उसे हमने बेसल सेल कहा, ठीक है। एपिकल सेल का दूसरा नाम टर्मिनल या फिर एम्ब्रियोनल सेल भी है, और बेसल सेल जो है उसका नाम हमारे पास सस्पेंसर सेल भी है। अब क्या कह रहा है देखिए, एपिकल सेल जो होगी वो चैलाजा की तरफ होगी। एपिकल सेल किस तरफ होगी, एपिकल सेल लाइज टुवर्ड्स चैलेजल एंड एंड द बेसल सेल लाइज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। बेसल सेल माइक्रोपाइल की तरफ होगी और एपिकल सेल जो है वो चैलेजल एंड की तरफ होगी, ठीक है। देखिए ये आपके पास पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, शॉर्ट में हम अच्छे से उसकी बात करेंगे वापस से। ये देखिए जाइगोट है आपके पास, ये आपके पास जाइगोट है, जाइगोट में सेल डिवीजन हो रहा है और दो सेल बन रही है, एक टर्मिनल सेल है एक बेसल सेल है, ठीक है, एक टर्मिनल सेल है एक बेसल सेल है। अब क्या हो रहा है बेटा, टर्मिनल सेल और बेसल सेल में वापस सेल डिवीजन होगा, टर्मिनल सेल और बेसल सेल में वापस सेल डिवीजन होगा। इसी स्ट्रक्चर को हम जूम करके बात करें तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, ठीक है ना, क्या कि ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर थी, दो सेल बनी थी, इनमें सेल डिवीजन हुआ, तो जो हमारे पास टर्मिनल सेल है उस टर्मिनल सेल में अब लॉन्गिट्यूडिनल सेल डिवीजन होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल सेल डिवीजन होने से इस तरह से दो सेल्स बन गई, और हमारे पास जो बेसल सेल है बेसल सेल में वापस ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और इस तरह से नीचे दो सेल बन गई, ठीक है। तो इस तरह से ये एक टी शेप स्ट्रक्चर बन गई, इस तरह से ये एक टी शेप स्ट्रक्चर बन गई है। क्या कहा हमने, टर्मिनल सेल में पहले जाइगोट था, जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, दो सेल बनी, टर्मिनल सेल बेसल सेल, टर्मिनल सेल में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ और दो सेल बन गई, नीचे की तरफ वापस दो ट्रांसफर सेल डिवीजन हुआ, दो सेल बन गई, इस तरह से जो है वो एक टी शेप स्ट्रक्चर बन गई, जिसे हम यंग एम्ब्रियो भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम यंग एम्ब्रियो भी कहते हैं। अब क्या होगा, ये जो दो सेल है इस दो सेल में वापस सेल डिवीजन होगा, ठीक है, ये जो दो सेल है इन दोनों सेल में वापस सेल डिवीजन होगा, और वापस सेल डिवीजन होकर
यहाँ पर दो से चार सेल बन जाएगी, दो ये आगे दो इसके पीछे, टोटल फोर सेल्स का ग्रुप बन जाएगा और नीचे वाली जो सेल्स थी उनमें वापस सेल डिवीज़न कंटिन्यू रहेगा, यूँ वापस सेल डिवीज़न कंटिन्यू रहेगा और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। मैं आपको वापस टॉपिक पर लेके चलता हूँ। हमने पढ़ा कि जो एपिकल सेल है, ठीक है, ब्लू पॉइंट में हम देखते हैं, सबसे पहले क्या हो रहा है कि जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, दो सेल्स बन रही है, एपिकल बेसल सेल। एपिकल सेल जो है उसमें वापस से जो है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एपिकल सेल में वापस लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, और जो बेसल सेल है उसमें वापस ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ कि लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन इन द एपिकल सेल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन इन द बेसल सेल टेक प्लेस ऑलमोस्ट सिम्यूल्टेनियसली। दोनों के दोनों डिवीजन जो हैं वो एक साथ होंगे, ठीक है ना, बेसल सेल और एपिकल सेल में दोनों में सेल डिवीजन एक साथ हो रहे हैं। अब टू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय ए लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन इन द एपिकल सेल, वन मोर लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन एट राइट एंगल टू द प्रीवियस वन टेक्स प्लेस इन दीज टू एपिकल सेल्स बाय विच फोर सेल्स और क्वाड्रेंट इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड यंग एम्ब्रियो। मैंने आपको क्या बताया, देखिए जाइगोट में सेल डिवाइड हुई, दो सेल बनी, एक एपिकल सेल बेसल सेल। एपिकल सेल के अंदर क्या हुआ, एपिकल सेल में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ जबकि बेसल सेल में वापस ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, ठीक है, इस तरह से एक टी शेप स्ट्रक्चर बनी। अब जो एपिकल सेल है उसमें वापस से लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, एपिकल सेल में वापस से लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा, फोर सेल्स का ग्रुप बन जाएगा, दो आगे की तरफ दो सेल्स पीछे की तरफ, टोटल फोर सेल का ग्रुप बन गया और यहाँ पर वापस। तो ये जो एक स्ट्रक्चर बनी, जो ऊपर की तरफ एपिकल सेल में फोर सेल्स का एक ग्रुप बन गया, जब फोर सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है एपिकल सेल में, उस कंडीशन को हम यंग एम्ब्रियो कहेंगे, फोर सेल्स का ग्रुप है, क्वाड्रेंट है, ठीक है। और नीचे की तरफ बेसल सेल में रेगुलर ट्रांसवर्स डिवीजन होने से एक टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होती जा रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए, बाय ए ट्रांसवर्स डिवीजन इन दिस क्वाड्रेंट एन ऑक्टेंट इज फॉर्म्ड, ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा क्वाड्रेंट में, वापस ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और एक ऑक्टेंट बन गया, ठीक है। क्या जो यंग एम्ब्रियो था जहाँ पर फोर सेल्स का ग्रुप था उसमें वापस से क्या हुआ, वापस से ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और वहाँ पर ऑक्टेंट बन गया, एट सेल्स का ग्रुप बन गया। एट सेल्स का ग्रुप बनने से क्या हुआ, देखिए बेटा, अब वहाँ पे एट सेल का ग्रुप बन गया है। आप ऊपर वाले पिक में देखिए, ये जो पिक्चर है, सिर्फ एग जो है वो सिंगल सेल है, एग सिंगल सेल है, उसके बाद टू सेल बनी, एपिकल सेल बेसल सेल। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पहले एक सिंगल सेल है एग, उसके बाद टू सेल बन रही है, एपिकल सेल बेसल सेल, उसके बाद ऑक्टेंट बन रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या बन रहा है, ऑक्टेंट बन रहा है। ऑक्टेंट के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्टेंट जो है वो एक एम्ब्रियो है, यंग एम्ब्रियो है, जिसमें एट सेल्स हैं, ठीक है। अब एट सेल बनने के बाद वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पेरिक्लिनल डिवीज़न होगा। पेरिक्लिनल डिवीज़न मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए, एरिया को बढ़ाने के लिए जो सेल डिवीज़न होता है उसे पेरिक्लिनल डिवीज़न कहेंगे, जिसमें सेल्स डिवाइड होगी और एरिया को इंक्रीज़ करेगी। तो आप देखिए, ऑक्टेंट में जो ये एरिया है, ऑक्टेंट का एरिया लेस है, लेकिन जब हम ग्लोब्यूलर में आ रहे हैं तो ग्लोब्यूलर के अंदर जो सेल्स है वो ज़्यादा हो गई, एरिया इंक्रीज़ हो गया। एरिया इंक्रीज़ कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ पर पेरिक्लिनल डिवीज़न हुआ, ठीक है ना। पेरिक्लिनल डिवीज़न होगा तो क्या होगा, जिस तरह से हम एक गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं, ठीक है, जिस तरह से हम एक गुब्बारे के अंदर हवा भरेंगे तो क्या होगा, एक गुब्बारा फूल जाएगा, उसी तरह से ऑक्टेंट के अंदर पेरिक्लिनल डिवीज़न होगा और ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। ऑक्टेंट के अंदर पेरिक्लिनल डिवीज़न होगा और ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसका एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और पेरिक्लिनल डिवीज़न होने के बाद उसमें एक लेयर बन जाएगी। हमने ये जो देखा, ग्लोब्यूलर जो था, ये ग्लोब्यूलर जो पार्ट था, और ग्लोब्यूलर पार्ट के नीचे की तरफ जो थी वो सेल्स थी, तो
ये जो है इसमें एक लेयर बनेगी बाहर की तरफ, इसमें एक बाहर की तरफ लेयर बनेगी। इस लेयर को क्या कहेंगे? अब देखिए, सभी को पता है जो ऊपर की लेयर होती है उसे डर्मिस कहते हैं। तो यहाँ पे जो लेयर बन रही है वो डर्मेटोजेन है, ठीक है। ग्लोबुलर जो पार्ट है उसके चारों तरफ एक लेयर बन रही है जिसे डर्मेटोजेन कह रही हैं, ठीक है। उसके अंदर एक अब आपको याद रखना है, ग्लोबुलर जो पार्ट है, ग्लोबुलर पार्ट कब कहा जाएगा या ग्लोबुलर पार्ट में कितनी सेल्स होगी, तो आपको याद रखना है ग्लोबुलर पार्ट में 16 सेल्स होंगी। ग्लोबुलर पार्ट में 16 सेल्स होंगी, ठीक है। पहले वन सेल थी, उससे टू सेल बनी, फिर फोर सेल बनी, ठीक है। उसके बाद एट सेल बनी, फोर सेल को क्वाड्रेंट कहा, एट सेल को ऑक्टेट कहा, फिर 16 सेल आ गई, 16 सेल वाले को हमने ग्लोबुलर कह दिया, 16 सेल वाले को हमने ग्लोबुलर कह दिया। अब जो डर्मेटोजन है, उस डर्मेटोजन में वापस से क्या होगा, एंटीक्लिनल डिवीजन होता जाएगा, सेल डिवाइड होती जाएंगी और जो एम्ब्रियो है उसकी एक लेयर, कवरिंग लेयर बन जाएगी जिसे हम एपिडर्मिस कहेंगे, ठीक है ना। डर्मेटोजन में रेगुलरली क्या होगा, बार बार सेल डिवीजन होता जाएगा, एंटीक्लिनल डिवीजन होता जाएगा और वहाँ पर एपिडर्मिस बन जाएगी एम्ब्रियो की। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपके सामने एक पॉइंट आ रहा है, बाय फर्दर डिविजन्स इन द इनर एट सेल हाइपोकोटिल ग्राउंड मेरिस्टेम ऑफ कोटिलिडन एंड प्रोकैम्बियल सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हो रहा है कि बार बार डिवीजन होने से वहाँ पर हाइपोकोटिल ग्राउंड मेरिस्टेम, हाइपोकोटिल क्या है वो आपको मैं पिक्चर से क्लियर करूँगा। ग्राउंड मेरिस्टेम हमें सभी को पता है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जब सीड को डेवलप होना होगा तो यही टिश्यू जो है, या सीडलिंग जो कन्वर्ट करना होगा तो यही टिश्यू वर्क करेगा। और प्रोकैम्बियल टिश्यू जो है या प्रोकैम्बियल सिस्टम जो है वो क्या बनाएगा, कैम्बियम को बनाने का वर्क करेगा, ठीक है ना। हमारे जो वास्कुलर टिश्यूज हैं उनको फॉर्म करने का वर्क करेगा जब सीडलिंग डेवलप हो रहा होगा। हाइपोकोटिल क्या कर रहा है, देखिए हाइपोकोटिल क्या करेगा, आप देखिए यहाँ पर हम पहले हाइपोकोटिल और एपिकोटिल कहेंगे किसे, यहाँ पे आपको एक पिक्चर से मैं क्लियर करता हूँ। देखिए एक पिक्चर ले लीजिए, अपने ये पिक्चर ले ली मान लीजिए आपने, ठीक है। ये पिक्चर है हमारे पास। अब इसमें क्या है, इसमें ये जो पार्ट है, ये साइड वाले दोनों कोटिलीडन्स हैं, ठीक है। ये दो, इन दोनों को बोल दीजिए या इन दोनों को बोल दीजिए, ये दोनों क्या है, कोटिलीडन्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों कोटिलीडन्स के बीच यहाँ एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, ठीक है। दोनों कोटिलीडन्स के बीच एक उभरी हुई स्ट्रक्चर डेवलप होती है, थोड़ी सी रेज्ड। अब ऊपर की तरफ निकल गई, इसलिए उसे क्या कह दिया, हाइपोकोटिल, हाइपोकोटिल, ठीक है। कोटिलीडन के पास थोड़ी सी स्ट्रक्चर डेवलप हुई जिसे हाइपोकोटिल कहा। यही हाइपोकोटिल आगे चलकर हमने पहले पढ़ रखा है कि जब सीड जर्मिनेट होता है तो उससे दो स्ट्रक्चर निकलती है, एक प्ल्यूम्यूल और एक रेडिकल। प्ल्यूम्यूल आगे चलकर शूट को बनाने का वर्क करती है और रेडिकल आगे चलकर रूट को बनाने का वर्क करती है। तो ये जो हाइपोकोटिल है, ये हाइपोकोटिल आगे डेवलप होगा प्ल्यूम्यूल में, हाइपोकोटिल प्ल्यूम्यूल को बनाने का वर्क करेगा, ठीक है। तो सर जो हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर है वो कहाँ है, रेडिकल कौन बनाएगा, देखिए हाइपोफाइसिस, यहाँ पर एक हाइपोफाइसिस होगा या एपिकोटिल होगा। अब एपिकोटिल हम किसे कहेंगे, देखिए ये जो हमारा एम्ब्रियो है ना, ये जो डार्क ग्रीन कलर में दिखाया गया है, ये हमारा एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो के जस्ट नेक्स्ट सेल जो है, जस्ट नीचे वाली जो सेल है, एम्ब्रियो के जस्ट नीचे वाली जो सेल है, ये वाली, इस सेल को हम क्या कहेंगे, इस सेल को हम एपिकोटिल कहेंगे या हाइपोफाइसिस कहेंगे, एपिकोटिल या फिर हाइपोफाइसिस, ठीक है। और ये एपिकोटिल या हाइपोफाइसिस ही क्या करेगा, ये एपिकोटिल या हाइपोफाइसिस ही आगे चलकर रेडिकल को डेवलप करेगा, ये एपिकोटिल या हाइपोफाइसिस ही आगे चलकर रेडिकल को डेवलप करेगा। तो हमें यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हाइपोकोटिल जो था, हाइपोकोटिल क्या कर रहा था, हाइपोकोटिल प्ल्यूम्यूल को डेवलप कर रहा है और एपिकोटिल या हाइपोफाइसिस जो है वो रेडिकल को डेवलप कर रहा है। दूसरा हमने पढ़ा होस्टोरिया, देखिए ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसके नीचे ही नीचे वाली जो सेल है सस्पेंसर, यहाँ पे देखिए आप एक जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट के नीचे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बन गई है,
ठीक है, बेसल सेल से जब ट्रांसवर्स डिवीजन बार बार हुए तो वहाँ पर एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बन गई जिसे हमने सस्पेंसर नाम दिया, जिसे हमने सस्पेंसर नाम दिया। सस्पेंसर की जो लास्ट सेल होती है, सबसे नीचे वाली सेल, उस सेल को हम क्या कहते हैं, उस सेल को हम होस्टोरिया कहते हैं, जो हमने एंडोस्पर्म में भी बात की थी। ठीक है, सस्पेंसर की सबसे लास्ट सेल जो स्वेलअप हो जाएगी, अलग से दिखाई देगी, उसे होस्टोरिया कहेंगे। यही होस्टोरिया एंडोस्पर्म में जाकर एम्बेडेड होगी और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को सक करने का वर्क करेगी, जो आपने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, ये था हमारा। अब हम बात करें आगे, होस्टोरियल सेल की बात हमारी हो गई, हाइपोफाइसिस की बात हमारी हो गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है इस पिक्चर में, आप वापस देखिए, पहले एग थी सिंगल सेल, फिर टू सेल हुआ, फिर ओक्टेट हुआ जिसके अंदर एक नीचे टेल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हमने सस्पेंसर कहा, ऊपर एट सेल्स का ग्रुप है। ठीक है, ग्लोब्यूलर पार्ट हुआ, ऑक्टेट के अंदर रेगुलर पेरिक्लिनल डिवीजन हुए, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनी। ग्लोब्यूलर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है नीट एग्जाम में, ग्लोब्यूलर जो पार्ट है, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है जब वो ग्लोब्यूलर हो जाता है तो उसमें कितनी सेल्स होती है, तो उसमें 16 सेल्स होती है। ग्लोब्यूलर के बाद जो है वो ट्राइंगुलर डेवलप होता है, सेल्स डिवाइड होती है, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बनाती है। ट्राइंगुलर के बाद हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना रही है, और हार्ट शेप स्ट्रक्चर के बाद टॉर्पीडो स्ट्रक्चर बना रही है, और टॉर्पीडो के बाद जो मैच्योर एम्ब्रियो जो है वो हॉर्स शू की तरह, ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो की शेप कैसी होती है, मैच्योर एम्ब्रियो की शेप जो होती है वो हॉर्स शू की तरह होती है। ये आपको याद रखना है, नीट एग्जाम में इसका सीक्वेंस भी पूछा गया है, डेवलपिंग एम्ब्रियो की शेप का सीक्वेंस भी पूछा गया है कि कैसे कैसे शेप होगी। तो सबसे पहले एग, फिर टू सेल, फिर ओक्टेट, फिर ग्लोब्यूलर, फिर ट्राइंगुलर, हार्ट, टॉर्पीडो एंड मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, जिसमें आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, जिसमें हमने हाइपोकोटिल की बात कर ली है, जो कोटिलीडन्स के बीच एक रेज्ड स्ट्रक्चर होगी जो क्या होगी, प्लूम्यूल को डेवलप करने का वर्क करेगी। नीचे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसे सस्पेंसर कहेंगे, सस्पेंसर की सबसे लास्ट सेल होगी, स्वेलअप सेल होगी जिसे होस्टोरियल सेल कहेंगे, जो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन जो है उसको सक करने का वर्क करेगी। ठीक है, हाइपोफाइसिस जो है वो, हाइपोफाइसिस क्या था, हाइपोफाइसिस जो है वो एम्ब्रियो के सबसे पास वाली सेल है, सस्पेंसर की वो सेल जो एम्ब्रियो के सबसे पास है वो हाइपोफाइसिस है। यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो बेटा आप, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या सस्पेंसर की वो सेल जो एम्ब्रियो के सबसे पास है उसे हमने नाम दिया है हाइपोफाइसिस, जबकि सस्पेंसर की वो सेल जो एम्ब्रियो से सबसे दूर है उसे हमने नाम दिया है होस्टोरिया। ठीक है, हाइपोफाइसिस जो है वो रेडिकल को डेवलप करेगी, जबकि होस्टोरिया जो है वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का या सक करने का वर्क करेगी। हमने बात कर ली कि ग्लोब्यूलर पार्ट रेगुलर जो है वो डिवाइड करेगा, हार्ट शेप या कॉर्डेट शेप स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, फिर जब रेगुलर डिवीजन होगा तो टू लोब्स बन जाएंगी, टू लोब्स बन के वो दो कोटिलीडन को शो करेंगे। ठीक है, प्लूम्यूल किससे बनेगी वो हमने बात कर ली। रेड पॉइंट जो है उसको हम थोड़ा सा और वापस देखते हैं, क्या है देखिए, द पोजिशन ऑफ प्ल्यूम्यूल इज एपिकल एंड दैट ऑफ कोटिलीडन इज लेटरल इन द एम्ब्रियो। डाइकोट की बात हो रही है, ये डाइकोट में क्या हो रहा है कि प्ल्यूम्यूल की पोजिशन जो एपिकल है, ठीक है, और कोटिलीडन की जो पोजीशन है वो लेटरल है, बट मोनोकोट में क्या हो रहा है, मोनोकोट में प्ल्यूम्यूल रेडिकल लेटरल होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइकोट में इस तरह से है, ये दोनों कोटिलीडन, प्ल्यूम्यूल एपिकल पोजीशन पे, ठीक है, एपेक्स पे, लेकिन मोनोकोट में क्या हो रहा है, मोनोकोट में एक ही कोटिलीडन है, तो एक कोटिलीडन, और जो लेटरल पोजीशन है, लेटरल पोजीशन पे कौन होगा, लेटरल पोजीशन पर प्ल्यूम्यूल होगा, ये आपको याद रखना है। ये हमने बात किया पहले ही, ब्लू कलर पॉइंट, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस लाइंग अबो द पोजिशन ऑफ कोटिलीडन, मतलब कोटिलीडन के नीचे की जो सेल है उसे हम क्या कह रहे हैं, एपिकोटिल कह रहे हैं या हाइपोफाइसिस कह रहे हैं, जो क्या करेगी, जो आगे चलकर रेडिकल को डेवलप करेगी। ठीक है, प्ल्यूम्यूल इज प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ एपिकोटिल ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, शूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम द प्ल्यूम्यूल एंड रूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल।
रिजर्व फूड रिमेन्स स्टोर्ड इन द कोटिलीडन, जो फूड रह जाता है वो कोटिलीडन्स में सेव रहेगा, जो सीडलिंग जब सीड जर्मिनेट होगा वहाँ से एक स्ट्रक्चर बनेगी, सीडलिंग उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क देगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आई होप सभी को डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट के किसी भी टाइप का कोई डाउट या क्वेरी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टॉपिक से रिलेटेड आज है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, उसे दूर करने की मेरी हर संभव कोशिश रहेगी। थैंक यू।